સીસીના ચેરમેન અને એમડી મિસ્ટર બલરાજ જોશી અત્યારે આપણી સાથે જોડાયેલા છે. ત્યારે સર આપકા બહોત બહોત શુક્રિયા અમારે સાથે જોડને કે લીએ. સર મેં આપકે સિર્ફ ક્યુ ફોર કે મેં નંબર્સ મેં દેખ રહા હું સર, માર્જિન્સ કે અંદર આઈ મીન મેસિવ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ હૈ. 16% કો માર્જિન જો થે વો 31% હો ચુકે સર ક્યુ ફોર કે અંદર. તો સર ઇતના અચ્છા પરફોર્મન્સ કેસે દેખને કો મિલા ઓર કિતના આપ દેખ રહે કે FY19 FY20 કે અંદર કિતના પરસેન્ટેજ માર્જિન્સ અચીવ કર પાએંગે? देखिए जैसा, धन्यवाद आपको मुझे शो में लेने के लिए. जैसा आपने कहा, हमारे Q4 की मार्जिन बहुत ही अच्छे रहे हैं और हाइड्रो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमारे को कोई रॉ मटेरियल नहीं लगता, तो वस्तुतः हमारे जो मार्जिन है वो फिक्स ही रहते हैं, ऑलमोस्ट इसी रेंज में रहते हैं, 27-30% में ही रहते हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये इसी मार्जिन पर सस्टेन करेंगे आने वाले समय में. होता ये है कि कई बार हमारे नदियों के बहाव में कुछ कमी आ जाती है तो उस वजह से कुछ मार्जिन्स कम हो जाते हैं, और अगर इस बार जैसे IMD ने बताया कि अच्छा मानसून होने वाला है तो आने वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और उसमें हम ऐसे ही मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. ओके तो बलराज सर, थोड़ा सा किशनगंज और परबती 2 प्रोजेक्ट उसके ऊपर सर कोई अपडेट है अभी? मुझे ये बताते हुए खुशी है और आप लोगों ने भी इसको फॉलो किया होगा कि किशन गंगा प्रोजेक्ट जो हमारा है 330 मेगावाट का जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ये LOC के बिल्कुल पास है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट हमारे लिए रहा है और ये हमने आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथों 19 मई को जो है इसको डेडिकेट किया गया है नेशन को और हमने कम्प्लीट कर लिया है. 330 मेगावाट बिजली जो है इससे जनरेट होनी स्टार्ट हो गई है. जहां तक पार्वती का सवाल है, पार्वती प्रोजेक्ट में एक टनल बोरिंग मशीन में हमारे को कुछ प्रॉब्लम आई थी क्योंकि उसमें ज्योलॉजी इतनी खराब आ गई जिसकी वजह से ये मशीन आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अभी हमने अपना एक्सपर्ट लोगों को लगा करके एडवाइस उनसे लेके हमने ऐसे मेजर्स लिए हैं जिससे कि ये मशीन का काम दोबारा से शुरू हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो इसकी निर्धारित एक प्रोग्रेस हम चाहते हैं वो हमारी प्रोग्रेस मिल जाएगी. इन द मीन टाइम हमने ये तय किया है कि उसमें नाले कुछ और आके मिलते हैं उस HRT के अंदर जो हमारी टनल है, तो उन नालों के थ्रू हम अपनी एक मशीन कम से कम इस साल जरूर शुरू करेंगे. मुझे उम्मीद है कि अगर दो नालों का काम हो पाया तो दो मशीन भी हम इस साल में कर पाएंगे, तो जो कि 400 मेगावाट हमारी और बढ़ोतरी हो जाएगी. टोटल स्टेशन हमारा 800 मेगावाट का है, इसका पूरा होने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 400 मेगावाट हम आने वाले वर्ष में कमीशन कर पाएंगे ऐसा मेरा मानना है. ओके बलराज सर, आपने बोला कि किशनगंज जो प्रोजेक्ट जो था आपने शुरू कर चुके हैं सर, थोड़ा सा क्वांटिफाई कर सकते हैं कितना रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY19 के अंदर? थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में लेकर कर चलू अभी तो. देखिए, ये 1713 मिलियन यूनिट से जनरेट होने हैं, 1713 मिलियन यूनिट्स जो कि हमने ऑलरेडी PPA भी इनके तैयार हो गए हैं, तो इसका जो रेट हमने फर्स्ट ईयर का दिया है वो ₹4.19 के हिसाब से हम इससे बिजली चार्ज करेंगे, तो आप लगा सकते हैं कि ₹4.19 एक यूनिट जब बिजली आती है तो 1713 मिलियन यूनिट मतलब 171 करोड़ को आप 4 से गुणा कर लें तो इतना रेवेन्यू इससे हमारे को जनरेट होगा. ठीक है, परफेक्ट सर. सर गवर्नमेंट कब से हाइड्रो पॉलिसी के ऊपर थोड़ा सा बातचीत चल रहा है सर उसके ऊपर, तो आपको कब लग रहा है सर कब आएगा और कैसे होगा, कुछ एक्सपेक्टेशन है सर आपकी? देखिए, हाइड्रो पॉलिसी जो है, क्योंकि आपको मालूम है वाटर हमारे यहाँ पे एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले सारा स्टेट का राय लेना पड़ता है, तो अभी गवर्नमेंट उसी प्रोसेस से चल रही है, इसीलिए इसमें समय भी लग रहा है. हर तरह के स्टेक होल्डर्स ने अपनी बातें कही हैं, हमने भी अपने इनपुट्स दिए हैं, जो प्रोजेक्ट बनाने में हमको मुश्किलें आती हैं स्टेट्स के अंदर में या क्या क्या इसमें और कमियां हैं उसको सुधारा जाए, तो इस वजह से ये हाइड्रो पॉलिसी कुछ लेट जरूर हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में विद इन पीरियड ऑफ लेट्स से 5 to 6 months ये आ जानी चाहिए और जिससे कि हाइड्रो सेक्टर को एक पूरा अच्छा बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है. ओके सर, आपने स्टेट गवर्नमेंट्स का जिक्र किया और मैं थोड़ा सा टचअपन करना चाहता हूँ रिसीवेबल्स के ऊपर, क्योंकि स्टेट डिस्कॉम्स की जो हालत खराब थी अभी भी थोड़ा सा दिक्कत होता है सर आपको रिसीवेबल्स लेने के अंदर? हमारे को रिसीवेबल लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत अब होनी बंद हो गई है. जब से उदय स्कीम आई, हमारे काफी सारे जो आउटस्टैंडिंग चलते थे, ड्यूज चलते थे, वो तो काफी कम हो गए हैं, लेकिन ये जरूर है कि हमारा अभी भी क्रेडिट जो है वो कोई 60 डेज, तो CERC वैसे अलाउ करता है बेनिफिशियरी को, 60 दिन तक आप उसको क्रेडिट पे ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो रिकवरी है वो 75 डेज तक हो जाता है. तो और हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी भी लास्ट ईयर आप देखेंगे
तो 85% तक हो गई है, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट इन दिस सेक्टर। तो बेशक आपको देखने से लगता होगा कि डिस्कॉम्स की हालत खराब है, लेकिन जहां तक हमारे ड्यूज का सवाल है, कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग में उसको नहीं मानता सिवाय एक दो स्टेट्स को छोड़ करके, और करेक्शन एफिशिएंसी बता रही है कि अब ये हमारे लिए एक समस्या नहीं रह गई है। ओके, तो सर Q4 FY18 के अंदर सर कुछ अंडर रिकवरीज था, और अगर उसको भी कुछ आप बता पाए उसके ऊपर? नहीं, उसमें Q4 में हमारे बेसिकली ज्यादा करके रेवेन्यू इसलिए आ गया क्योंकि हमारा कुछ कंसल्टेंसी वाला पैसा भी था, वो इसी Q4 में मिल गया, तो इस वजह से आपको Q4 रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं। जहां तक मार्जिन की बात, मैंने पहले आपसे कही कि मार्जिन इसके वेरी करते 27-30% के बीच में, और वो मेंटेन करते रहेंगे हम। ओके, फेयर इनफ सर। बलराज सर, मैंने काफी सारा मैं टाइम ले चुका हूं, पर एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूं, खास करके कैपेक्स के ऊपर। उसके ऊपर सर थोड़ा सा बताएं, प्लान्स क्या है, कितना कैपेक्स के ऊपर आप अभी इन्वेस्टमेंट करने वाले आने वाले 2 साल के अंदर? देखिए, आने वाले साल का मैं बता सकता हूं कि हमने जो केपेक्स प्लान है वो अपना 3,000 करोड़ के करीब करीब रखा था, तो उसमें से कुछ एक हमारा प्रोजेक्ट आपको मालूम है आसाम अरुणाचल के बॉर्डर पे सुबनसरी प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हमने कुछ 1,000 करोड़ का प्रोविजन किया था। तो ये डिपेंड करता है कि अगर वो प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो जाता है और NGT हमारी फेवर में उसका रिजल्ट कुछ आ जाता है, तो ये हम केपेक्स प्लान आराम से इसको कर पाएंगे। 3,000 करोड़ ज्यादा नहीं हमारे लिए, और आने वाले समय में भी जो हमारी प्रोजेक्ट की प्रोफाइल है उसको देखें तो इसी रेंज का 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए का हमारा केपेक्स प्लान रहेगा। ओके, और सर ये जो स्ट्रेस असेट की अभी जो बातें चल रही है सर, उसके ऊपर आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग सम असेट्स, और आर यू प्लानिंग टू स्ट्रेटेजिकली अलायंस फ्यू असेट्स, सो उसके अंदर भी आप काफी अच्छा ऑपरेटिंग लिवरेज जनरेट कर पाएंगे आप? वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड वी आर एक्चुअली लुकिंग एट सर्टेन स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स इन पर्टिकुलर इन सिक्किम। We have also made some expression of interest for these projects, but I think the government has to come out with some clear-cut policy. क्योंकि अभी क्या है, हमारे पास इतना ज्यादा हमको परमिशन नहीं है कि हम उस पर बिड कर सके। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट 500 करोड़ से ज्यादा है, तो उसकी बिडिंग करने से पहले हमको केंद्र सरकार की अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसमें CCA में जाना पड़ता है जिसमें समय लगता है। तो हमने सरकार से विनती किया है कि हमारे को इसमें कुछ थोड़ा पावर बढ़ा के दिया जाए ताकि हम इस तरह के स्ट्रेस एसेट्स को ले सके। उसका एक मैकेनिज्म अभी इस्टेब्लिश करना जरूरी है। जहां तक टेक्निकल और दूसरे चैलेंजेस की बात है, NHPC हमेशा तैयार है इन सबको करने के लिए, और मेरा ये मानना है कि इन स्ट्रेस्ड एसेट्स को NHPC ही बाहर निकाल पाएगी, जो आधे बन के तैयार खड़े हुए हैं और काफी उन पर IDC इकट्ठा हो गया है। सो सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हैज टू बी डन, लेकिन हम उसके लिए इंटरेस्टेड है। मैं इस बारे में बड़ा क्लियरिटी से बोलना चाहूंगा कि हम जरूर इंटरेस्टेड है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर में सारी क्लियरेंसेज ऑलरेडी हो चुकी है, तो सिर्फ एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रोजेक्ट बंद हुए हैं, तो उनको हम टेक केयर करेंगे प्रोवाइडेड गवर्नमेंट हमको इन सब की परमिशन दे और एक कंड्यूसिव पॉलिसी लेके आए, जो कि एक्सपेक्टेड है बहुत जल्दी वो लेके आएंगे। ओके, और सर आपके प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं सर? मोर और लेस वो फिक्स प्राइसेस ही होंगे, पर कुछ और इंक्रीज करने का सर कुछ प्लान है इन नियर फ्यूचर? नहीं, हमारा जो बिजली का सेक्टर आपको बताया वो रेगुलेटेड सेक्टर है, और CERC जो हमें रेगुलेशन के हिसाब से टैरिफ देता है वही हम ले सकते हैं, उसको बढ़ाने का कोई गुंजाइश हमारे पास नहीं रहती है, और ना ही ऐसा हमारा कोई प्लान है। ठीक है सर, बलराज सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बातचीत करने के लिए। એક NHPC ના મેનેજમેન્ટ અહીંયાથી આપણી સાથે ખાસ જોડાયેલા હતા, અને FY19 આથી ખૂબ જ સોલિડ લાગતું જોવા મળે છે, પરંતુ 2-3 વસ્તુ ખાસી મહત્વની રહેતી જોવા મળશે, ખાસ કરીને વોલ્યુમ ગ્રોથ કેવી રીતના આવતો જોવા મળશે, અને તે સાથે અહીંયાથી જે પ્રોફિટેબિલિટી ખાસ કરીને માર્જિન જે રીતના ખાસા એક્સપાન્ડ થતા જોવા મળે, ત્યાંથી મેનેજમેન્ટ માર્ગદર્શિક તે સસ્ટેન થતા જોવા મળશે, તો તેના ઉપર એક ખાસ અહીંયાથી ફોકસ રાખીને ચાલવું જોઈએ। અને જે રીતે અહીંયાથી બધા સ્તરે પણ ખાસ કરીને કીધું કે સ્ટ્રેસ અસરની અંદર તેઓ ખાસ ઇન્ટરેસ્ટેડ છે અત્યારે, તો કઈ અસર તેઓ એકવાર કરતા જોવા મળશે, અને કયા પ્રાઇસીસ ઉપર તેના ઉપર એક ખાસ ફોકસ રાખીશું, પરંતુ તેમાં ગવર્મેન્ટ બી ખાસ ઇન્વોલ્વ છે, તો થોડોથી ટાઈમ તેમાં લાગતો જોવા મળશે, પરંતુ એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોજેક્ટ અહીંયાથી ખૂબ જ સારા અહીંયાથી રિટર્ન્સ આપતા જોવા મળશે કે તેવું તમને લાગી રહ્યું છે। તે સારી અહીંયાથી એકવાર ક્વિકલી એક નાર્ગો બ્રેક લઈ લેતા, અને બ્રેક પછી ખાસ કરીને અહીંયાથી જોવા જોઈએ તો આપણી સાથે ડિટેલમાં અહીંયાથી ચર્ચા કરવા ઇન્ડિયન એનર્જી એક્સચેન્જ એટલે કે IEX ના MD અને CEO SN ગોયલ આપણી સાથે જોડાશે, અને ડિટેલમાં અહીંયાથી નંબર સ્ટ્રેટેજીસ અને તે